गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। केम छो? मजा मन। सो मेरा नाम है हिना और वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वाद की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। अगर आप ब्लॉग में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ। और आज हम आए हैं अपने गार्डन की विजिट करने, और मेरे पति ऑलरेडी पहले से ही गार्डन में है ही, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, चेक कर रहा हूँ सबके ऊपर। फंगस लग गई है हमारे पौधों, एक पौधे को शायद नहीं, कैक्टस को फंगस लग गई है। ये टूट गया राउंड, ये टूट गया। कोई बात नहीं, टूटा नहीं है वो, उसको फंगस लगी, वो खराब हो गया। नहीं नहीं, ये एक फंगस लगी। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. ये हमारे कैक्टस को बेचारे को फंगस लग गई है, पूरी तरह से बीमार हो गया। और कितना बड़ा, मतलब शॉर्ट टाइम में उसने बहुत ज्यादा ग्रो किया था, और अभी फंगस लग गई है। राहुल इधर ले लो, इधर एक मिनट, एक मिनट राहुल, ये वाला है ना, इधर जा रहे थे। लो ये कोने पे आ जा। हां वो कोने पे रखना ही है भाई, तो बात है। नहीं कोने पे क्यों? क्योंकि वहां से वहां पानी जाता है इसलिए। नहीं नहीं, यहां से नहीं जाएगा। नहीं ये वाला इधर इधर इधर, इसको पानी। ये देखो क्या हो गया, चीटिया। इसको थोड़ा और खोल दो ना राहुल, खोल दो ना। सब दोनों वेल को मुझे लगा राउंड टाइप नहीं आता, वैसा बना रहे। अच्छा यहाँ पर ऐसा, अच्छा यहाँ पर ऐसा रहेगा। हाँ हाँ, अच्छा तो ऊंचा जाने देने का है अभी ये लिए। तो अभी हमने सेपरेट कर, पहले साथ में थे, अब अलग कर दिया था। अब ये अपनी तरह से बड़ा होगा, ये अपनी तरह से बड़ा होगा। ये हमारा दूसरा कैक्टस है जो टच हो चुका है। हाँ ये भी अच्छा खासा ग्रो कर गया भाई। आज हमने सारे कैक्टस बाहर निकल दिए ताकि थोड़ी बहुत धूप लग जाए। So, आज हमारे घर में हमारी बीवी बना रही है दाल चावल और पापड़। पापड़ ओके। सो अभी यहाँ पर ये क्या बना रही हो? तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़का तैयार कर रही हो, ठीक। और ये दाल ऑलरेडी उबल चुकी है, इसमें लहसुन की चटनी है, चावल है, चावल भी ऑलरेडी बन चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, वाह। तो कल A to Z से हम ये लेके आए थे, जो अब हमने देखो, इसमें ये ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर टमाटर है, बहुत महंगे इसलिए उसको संभाल के रखा है। फिर नीचे प्याज टमाटर लहसुन, तो ये कंपार्टमेंट हमारा इस कॉर्नर में आ गया, ठीक है। ऑल्सो ये वाला तो आपने देखा ही था, हमने डीमार्ट से लगाया था। ऑल्सो एक और चीज हम डीमार्ट से लेके आए थे, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर ऐसा ऐसा वाला है, इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, वो वाला ज्यादा अच्छा लगा मुझे, बट ठीक है, अभी काम चलाने के लिए। और इसको इधर सेट कर दिया है, यहाँ पर ये वाला एक स्टैंड लगा दिया है, इसमें सोनू का खाना है इसके अंदर, और यहाँ ऊपर सब मिक्सर का सामान रख दिया है प्रॉपरली वैसा। सो एक और चीज लेके आए थे कल हम A to Z से, ये वाला मतलब सारा स्टैंड जिसमें डिश स्टैंड लेके आए थे, इसमें सारी की सारी डिशेज रह जाए, और एकदम प्यारी सी लग रही है, बढ़िया अब सेट लग रही है, मतलब ऑर्गेनाइज लग रही है। इतना क्लीन नहीं है अभी, ये सब क्लीन करना बाकी है, बट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग के हिसाब से परफेक्ट है ये अभी। कल हम A to Z से ये कोस्टर लेके आए थे, बहुत प्यारे से है ये कोस्टर, आप कुछ इस तरीके से रख के इस पे अपना कॉफी का मग, पानी का ग्लास, कुछ भी रख सकते हो ताकि लकड़ी पे स्टेन ना आए, ठीक है। और प्राइस भी इसका कोई खास नहीं है, मतलब खास तो है बट इतना भी सस्ता नहीं है, बट सही है प्राइस के हिसाब से। ओके सो उसके बाद आज हमारे को मेनली है ना घर में लाइट की बहुत जरूरत है, बिकॉज आपको बताता हूँ, ये जो पीछे मोशन लाइट है वो भी खराब हो गई है, और हमारे सिर पे जो लाइट है ना वो भी खराब हो गई है। सो कुकिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जुगाड़ कैसा करके रखा है हमने। सो ये कुछ इस तरीके का जुगाड़ बैठा के रखा है हमने, क्योंकि हमारी लाइटें सारी खराब हो गई है, ठीक है, वैसा है। सो अभी होपफुली आज या कल में हम लाइटें वाइटें सब ठीक करवा देंगे वैसा। और मैंने एक अमेजोन से न्यू ट्राईपॉड ऑर्डर किया है, सेल्फी स्टिक एक तरह का है, पर ट्राईपॉड कम सेल्फी स्टिक है। सो मैं उसका रिव्यू आपको बताऊंगा कि कैसा है कैसा नहीं। अगर आपको अपने परिवार के लिए कहीं घूमने जा रहे हो
और उसके लिए लेना है तो आपको शायद अच्छा रहेगा, मतलब इट्स अ गुड क्वालिटी वन और प्राइस बहुत सस्ता है, मतलब लिटरली सस्ता है। इस प्राइस में ये क्वालिटी मिलना बहुत मुश्किल है वैसा वाला। तो अभी उसमें एक थोड़ा सा मेल फंक्शन था तो वो रिप्लेस होके आ रहा है, जब वो रिप्लेस होके आ जाएगा तब मैं दिखाऊंगा। ओके चलिए गाइस, अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ क्योंकि मैं है ना परसों गिर गया था सीढ़ियों पे, तो मेरे को घुटने में थोड़ी सी चोट लगी है, मतलब घुटने में नहीं सॉरी अंगूठे में चोट लगी है। हाँ, तो अंगूठे में ऐसा है कि वो है ना मुड़ गया था, ट्विस्ट हो गया था, तो उसकी वजह से वो दर्द हो रहा है। वो जो स्प्रे नहीं आता, स्प्रे लगाया, क्रीम आती है वो लगाई, पर उनका असर तक नहीं है मेरे को, मतलब ऐसा जल भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा वैसा, तो वही इसलिए। और आज मौसम एकदम शांत मौसम है, धूप भी नहीं है कुछ भी नहीं, एकदम शांत मौसम, इसलिए ना ऐसा उबाल हो रहा है घर में, घुटन सी हो रही है, इसलिए हम एसी में अब जाएंगे, वहां जाके सब कुछ करेंगे वैसा। गाइस हम आए हैं जवाहर मैदान, गणपति जी का जो मूर्ति होती है आइडल होता है वो लेने के लिए, पर अभी एक्चुअली हम बुक करवाने हैं, एक तरह देखने आए, अभी तो लेंगे नहीं लेंगे वो हम डिसाइड करेंगे यहाँ से। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गणपति जी का मौसम है एकदम बढ़िया, आज बारिश आ चुकी थी, तो चलिए थोड़ा मूर्ति वूर्ति देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि कहाँ से लेना है। तो ये वाले भगवान को पसंद किया है, ये वाले यादगी के लिए हम वीडियो भी ले ले रहे हैं, तो अभी हम चलते हैं, डन ना। तो गाइस हमें मूर्ति तो पसंद आ गई है पर अभी हम ले नहीं रहे क्योंकि हमारे पास ले जाने के लिए कुछ चुन्नी बुन्नी है नहीं, तो अब हम कल सुबह आएंगे और देखेंगे प्रॉपरली, जो हमें पसंद आएगी वो लेके जाएंगे अपनी तरह से। और यहाँ पर मेनली क्या है, बुकिंग सिस्टम नहीं है, तो कल सुबह आएंगे अच्छे से बार्गेनिंग करेंगे और अपनी तरह से जो पसंद आएगा वो लेके जाएंगे। वैसे हमको पता आ गया है तुम क्या पसंद आ रहा है वैसा। यहाँ पर आपको है ना गणपति जी के डेकोरेशंस बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। ये अपने तड़ाव के बाजू में ये दुकान है, आप आके ले सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया डेकोरेशन है और आपके बजट के अकॉर्डिंग आपके साइज के अकॉर्डिंग वो आपको डेकोरेशन कर देंगे वैसा है। तो अभी हमारे तो यहाँ पर सेटिंग नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे बहुत बजट के बाहर जा रहा है, तो हम कुछ और देखने चलते हैं। अभी फेरी लाइट्स 100 रुपीज की मिल रही है, 120 रुपए लास्ट प्राइस 100 रुपए है। आई मीन लाइक सब कुछ बहुत महंगा महंगा है, डेकोरेशन इट्स लाइक डेकोरेशन को तो ऐसा बना दिया जैसे अमीर लोग ही कर सकते हैं, गरीब लोगों को तो हक ही नहीं है। हे गाइस, सो हम आए हैं यहाँ पर डेकोरेशन का सामान लेने के लिए, चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ डेकोरेशन की शॉप में आ गए ना, कौन सा पसंद आ रहा है बताओ। सो गाइस हमने यहाँ से बहुत सारा डेकोरेशन का सामान ले लिया है, थोड़ा बजट फ्रेंडली भी है इनके पास डेकोरेशन का सामान और थोड़ा थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। कहाँ पर है एग्जैक्टली ये दुकान ही ना? MG रोड। ओके गाइज, आपको भैया ने बता दिया है, आप लोग आइए, बहुत मतलब मैं बता रहा हूँ बाकी भावनगर में हर जगह से बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव डेकोरेशन का सामान मिलेगा और बर्थडे से लेके सेलिब्रेशन से लेके जो चाहिए सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मेनली मैं तो हर साल यहीं पर आता हूँ डेकोरेशन का सामान लेने के लिए, तो अगर आप लोग आना चाहे तो। हमारा इतना सारा शॉपिंग हो गया है, अब देखते हैं बिल कितना आता है। तो गाइस फाइनली हमारा डेकोरेशन का सारा सामान आ गया है, ये अगर आप शॉप देखे तो एकदम प्यारी सी लग रही है अभी, ठीक है हिना बिलिंग कर रही है। तो उसी के साथ हमारा आज का डेकोरेशन का सामान का शॉपिंग का डन हो चुका है, अब गणपति जी लेना है नहीं लेना है आज वो हम बाद में डिसाइड करेंगे वैसा। तो गाइस हम आए हैं अभी फेरी लाइट्स लेने के लिए, कि भाई जब मेरे को मैं सोच रहा हूँ ये वाला लेने का अगली बार दिवाली पे अपने घर पे, देखो कितना लंबा है, लंबा भी घर पूरा आधा घर तक आ जाएगा। ये 50 वाली है 80 वाली अच्छी है, हाँ ब्राइट है ब्राइट है। हमने ये कुछ फेरी लाइट्स ले लिए डेकोरेशन के लिए, हाँ अपने मुंह के पास देखिए, होपफुली अच्छी दिखेंगी ये। और हम आए हुए ये वाली शॉप पे, अभी आज यही खुली है यहाँ पर, वो बाकी सब बंद है। और बाकी सब ये गणपति जी का डेकोरेशन दिखा देता हूँ आपको, कितना प्यारा लग रहा है देखो, ओ माई गॉड दिस लुक इज आउटस्टैंडिंग। एक बार फिर हम आ चुके हैं सोडा पीने पुदीना में, हमारी फेवरेट सोडा नींबू सोडा। आज जो सोडा हमने ऑर्डर किया वो है पाइनएप्पल टुकड़े, मस्त है। हाँ तो रामापीर भगवान का बर्थडे है तो हम जा रहे हैं रामापीर भगवान के मंदिर प्रसादी लेने के लिए। आई थिंक अभी तो बंद हो गया होगा शायद, क्या पता, पर चलिए चलते हैं, मैं अंदर तो वहाँ पर शूट करना अलाउड नहीं है तो बाहर से आपको दिखा दूंगा।
ये मंदिर है और बाहर से तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ, बाहर से देख लीजिए कितना ही खूबसूरत मंदिर है। बहुत ज्यादा मंदिर को मेंटेन रखते हैं, बहुत ही प्यारा मंदिर है। फाइनली हमारे खेत की फूल गोभी आई है। आलू कहाँ से? ठीक है, आलू तो पापा वहाँ से गलती से ले आए होंगे। और ये देखिए गाइस, इतनी सारी सब्जी आई है आज वापस से, दो दिन पहले आई थी और आज फिर इतनी सारी सब्जी आई है। अब इसमें से हमको जो चाहिए हम रखेंगे, बाकी की भावना से इधर जान दे रहे हैं। हे गाइस, इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, रात के 12:30-11:30 समथिंग हो रखा है। सो अब इस व्लॉग को हम यहाँ एंड कर देते हैं, बिकॉज अब बाकी का सब हम आपको कल के व्लॉग में दिखाएंगे। सो हम जोरों शोरों से गणपति जी की तैयारी हो चुकी है, गणपति बप्पा घर आने वाले हैं। सो उसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, किसी भी कारणवश, एक छोटे से कारणवश अगर ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। और अगर चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, हमारी शक्ल पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लेना, हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको कल एक और खूबसूरत से व्लॉग में। तो देखिए, आपका अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें और सोसाइटी को साफ रखें। बाय बाय, टेक केयर।